हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्ट हो, तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक मास का कांसेप्ट करेंगे। एटॉमिक मास का सेकंड नेम है मास नंबर। आप एटॉमिक मास बोले या मास नंबर, आपकी मर्जी, दोनों सेम है, एक गद्दे के कान है। अब देखो एटॉमिक मास कैसे कहते हैं। इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर किया। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं। अब एटॉमिक मास के साथ एक और बात ऐड कर दो। देखो हमारे पास द डिफिनेशन में अपने पास लिखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा इज कॉल्ड एटॉमिक मास, इसको मैं कहूंगा एटॉमिक मास आर या मास नंबर, इसको मैं क्या कहूंगा एटॉमिक मास या मास नंबर कहूंगा। अगर एटॉमिक मास को हम मैथमेटिकली ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये क्या है, ये मैथमेटिकली है, हेडिंग अपने पास है, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनपी से रिप्रेजेंट करूंगा, इससे पहले लेक्चर में बताया, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इससे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब देखो इस एटॉमिक मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, अब एन पी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं जेड से, मैंने आपको बताया जेड, और ये आपके पास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास बस एन हो गया, या बस आप लिख के कैपिटल एम लिखते हो, स्मॉल एन लिखते हो, या नहीं, बस आप रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहां पे सपोज मैं आपको बता रहा हूं, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, इसमें एक प्रोटॉन है, क्या है, एक प्रोटॉन है, और इसमें जीरो न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, मुझे एटॉमिक मास इसका बताओ, इसका एटॉमिक मास क्या होगा। आसान है, आप कहोगे कि सर मैं इस फॉर्मूले के जरिए करूंगा कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये मैं लिखूंगा। अब देखो ए इज इक्वल टू जेड कितना है, जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, वन है सर, तो वन लगाओ। अब प्लस न्यूट्रॉन कितना है, जीरो है, तो ए इज इक्वल टू वन, अब वन मतलब एटॉमिक मास वन, अब मास है तो मास का कुछ यूनिट होगा यार। आप किसी के पास जाते हो, किसी ट्रॉली वाले के पास, और उससे आप आलू लेते हो, तो आप उसको कहते हैं कि एक किलो आलू मुझे दो, सही है। तो मतलब आप मास के साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगाते हो, ग्राम लगाते हो, किलोग्राम लगाते हो, इसी तरह सर ये जवाब लेते हो तो टन लफ्ज लगाते हो, तो यूनिट लाजमी है। अब ये एटम का मास है, मास तो है, यूनिट तो लगाऊंगा। अब एटम का मास तो हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इंतहाई छोटा होगा, तो इसका यूनिट है वन, हम लगाएंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटम का जो यूनिट है वो, ठीक है। एएमयू का क्या मतलब है, एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, क्या, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटम वाला स्मॉल यूनिट आपके पास है, सही है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है, आपके पास कार्बन एक एटम है, क्या है, कार्बन एटम है, और कार्बन में सिक्स प्रोटॉन है और कार्बन में सिक्स न्यूट्रॉन है, शाबाश बेटा इसका एटॉमिक मास फाइंड करो। तो आप कहेंगे कि ये सर ये तो बहुत आसान है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू द जेड प्लस एन। अभी वो ए इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना है, सिक्स है, सिक्स प्लस न्यूट्रॉन कितना है, सिक्स है, तो ए इज इक्वल टू 12, और यूनिट क्या लगाओगे, एटॉमिक वाला, तो एएमयू, तो मतलब ये कि कार्बन का मास है 12 एएमयू है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखो इसी तरह आपको एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम का, क्या है, ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन में एट प्रोटॉन है और ऑक्सीजन में एट न्यूट्रॉन है, सही है। अब इसमें एट प्रोटॉन है, एट न्यूट्रॉन है, शाबाश इसका एटॉमिक मास फाइंड करो, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास इसका ना मालूम है, तो एटॉमिक मास आप फाइंड करोगे ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ए इज इक्वल टू जेड कितना है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8, तो A इज इक्वल टू 16 यूनिट लगाओ AMU, ये आपके पास एटॉमिक मास है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब इसमें कुछ और भी बात है, ये इसको लेकर शावस करते हैं। अब इस तरह के एग्जांपल में आप वैल्यू स्पॉट करें, आप कर सकते हैं, आपको देगा कि प्रोटॉन इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, एटॉमिक मास फाइंड करें, आपको ऐसा दे सकते हैं। अब देखो, अब ये एक इक्वेशन है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस इक्वेशन में आपको दो वैल्यू गिवन है, तीसरा आप फाइंड कर सकते हो। अब सपोज अगर आपको ये वैल्यू भी गिवन है और ये वैल्यू नहीं दिया गया है, फिर भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर दो वैल्यू गिवन है, एक नहीं गिवन, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, आपके पास एन है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आप इसको अकेला छोड़ दें, एन इज इक्वल टू ये जेड इधर आ जाएगा, तो ए माइनस जेड, ये आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करने के। सपोज मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं, एक एमसीक्यूज है, आपसे कहो कि कार्बन एटम हैव सिक्स प्रोटॉन, इसमें इसका सिक्स प्रोटॉन है एंड एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास इज 12, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो बेटा। ऑप्शन ए इसका 6 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 8 है, ऑप्शन डी इसका 12 है, तो क्या आता है? तो इंतहा आसान है। देखो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन, कार्बन एटम का 6 प्रोटॉन है एंड एटॉमिक मास इज 12, तो देखो प्रोटॉन मतलब इसका एटॉमिक नंबर जेड जो है 6 है, एटॉमिक मास इसका 12 है, मुझे तो ये फार्मूला लगाना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे मांग रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास हो गया एन इज इक्वल टू ए आपके पास 12 है माइनस 6, तो ये आपके पास 6 आता है, तो 6 आपके पास इसमें न्यूट्रॉन है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। आपको इस फार्मूले में दो देगा, एक आपसे मांगेगा, वो आपने फाइंड करना है, इंतहा इजी है। शाबाश, इसको देखो, आप रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को एक एटम में हम किस तरह पहचानेंगे कि ये इसका एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। सर आपने ये जो सब बताया कि ऑक्सीजन का ये है, ये कहां से आया, यही कंसेप्ट करते हैं। शाबाश।